इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर आसिफ खान, गोविंद और राकेश जी ने की थी। तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। बाघ एक ऐसी शैतानी आत्मा होती है जो पानी में रहती है, जो मरे हुए आदमी के शरीर में घुसकर उसे दूषित कर देती है और फिर वो मरा हुआ इंसान एक चलती फिरती लाश बनकर रह जाता है। उस आत्मा को नष्ट नहीं किया सकता, सिर्फ उसे कैद किया जा सकता है। किसी एक शरीर को वो शैतानी आत्मा 5 साल तक अपने काबू में कर सकती है, फिर उसे दूसरे शरीर की आवश्यकता होती है क्योंकि पुराना शरीर सड़ने और गलने लगता है और बाघ की आत्मा ज्यादा से ज्यादा पानी के पास जाने की कोशिश करती है। तो आइए जानते हैं, जब असम का एक आदमी राजेंद्र 5 साल बाद अपने घर लौटा, 5 साल बाद अपने गाँव लौटा, आखिर कौन सा राज छुपा है राजेंद्र और उस बाघ की आत्मा का, ये जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम दीपा और उसके परिवार और गांव के कुछ लोगों के साथ राजेंद्र का श्राद्ध करते हुए देखते हैं। आज उसकी 5 ही बरसी थी, पर दीपा को विश्वास था कि उसका पति राजेंद्र जिंदा है क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली थी। पर घर वालों के दबाव के कारण उसे ये मानना पड़ा कि राजेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसे यकीन था कि राजेंद्र एक दिन वापस जरूर आएगा। और जब दीपा अंदर श्राद्ध की सामग्री लेने जाती है तो उसे राजेंद्र दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है और उसकी आवाज सुनकर जब सभी कमरे में जाते हैं तो वो बेहोश पड़ी थी, जहां उसे होश में लाया जाता है। जहां दीपा बताती है कि मैंने उन्हें देखा, मैंने धून के देवता को देखा, मैं सच कह रही हूँ, वो बिल्कुल साफ साफ मेरे सामने खड़े थे। और तभी सभी देखते हैं कि राजेंद्र अपने बड़े भाई के साथ चला आ रहा है बिल्कुल सही सलामत, जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि राजेंद्र पूरे 5 साल बाद गांव लौटा था। और जब सभी पूछते हैं कि भाई राजेंद्र आखिर कहाँ थे तुम इतने साल, पर उसका बड़ा भाई कहता है, अरे देखो राजेंद्र अभी काफी थक गया है ना, उसे आराम करने दो, सवाल जवाब तो बाद में भी होते रहेंगे। वही दीपा भी राजेंद्र के घर आ जाने से काफी खुश थी। और तभी एक पत्रकार वहाँ आता है और राजेंद्र की अखबार के लिए फोटो खींचने की जिद करता है क्योंकि राजेंद्र का वापस आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और फोटो सेशन होने के समय राजेंद्र का बर्ताव अचानक से बदल जाता है, उसके मुंह से किसी जानवर की तरह लार टपकने लगती है, जिसे देखकर सभी वहां से चले जाते हैं। पर ये सब राजेंद्र का बेटा धून भी देख रहा था और वो काफी डर जाता है। और उसी रात जब धून खेल रहा था तो उसे अपने पापा के कमरे से काफी चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और जब वो झांक कर देखता है तो राजेंद्र एक गुड़िया को बड़ी बेरहमी से फाड़ रहा था। और तभी राजेंद्र एकदम से उसके सामने आ जाता है और कहता है, आओ धून, आओ मेरे साथ खेलो, आओ मेरे कमरे में। और उसकी हंसी देखकर धून वहां से भागता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ देवता मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे उनसे डर लगता है, वो अजीब अजीब से हरकतें कर रहे हैं। भाई राजेंद्र जब से आए हैं उनका बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका है। जहाँ राजेंद्र कहता है कि ये सब मैंने तोड़ दिए, सब पुराने हो गए थे ना, जब तक पुरानी चीजें घर में होती है ना तो नई चीजें नहीं आ पाती, मैं धून के लिए नए खिलौने लेकर आऊंगा, वो भी इसके पसंद के। जहाँ दीपक कहती है कि दीदी आप धून को अपने साथ ले जाइए। और तभी राजेंद्र कहता है, आओ ना, इतने दूर क्यों खड़ी हो, मैं तुम्हारा ही पति हूँ, मेरे पास बैठो। वहीं एक रात जब धून पढ़ाई कर रहा था कि तभी एक चूहा उसे काफी परेशान कर रहा था। और तभी राजेंद्र आता है, अब ये चूहा तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा, मुझसे हमेशा दूर भागने की कोशिश क्यों करते हो तुम, बदसूरत हूं मैं, डर लगता है मुझसे। और तभी वो धून को अपना असली रूप बताता है, उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और किसी जानवर की तरह दांत, उसके मुंह से काफी सारी लार टपक रही थी। जहां वो कहता है, तू काफी बिगड़ गया है, अब तुझे खाना पड़ेगा, और वो उसे उठाकर ले जाने लगता है। और तभी दीपा की आवाज आती है और राजेंद्र पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि धून एक चूहे से डर गया था पर मैंने उसे मार दिया। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जहां धून बताता है कि मुझे बापू से बहुत डर लगता है, वो कह रहे थे कि जैसा उन्होंने उस गुड़िया और चूहे के साथ किया वैसा वो मेरे साथ करेंगे, पर सभी इसे इग्नोर करते हैं। पर दीपा को कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। वहीं अगली सुबह जब दीपा अपनी मांग भर रही थी कि तभी वो देखती है कि उसकी मांग में सिंदूर की जगह राख है और आईने में उसे राजेंद्र की आत्मा भी दिखाई देती है। पर जब वो पीछे मुड़ती है तो वहां कोई नहीं था और वो अपने आप को
किसी विधवा की तरह पाती है। ऐसा लग रहा था मानो राजेंद्र की आत्मा दीपा से कुछ कहना चाहती हो। और दूसरे ही पल सब कुछ नॉर्मल था और राजेंद्र भी पास में ही लेटा था। और जब वो उसे चादर उड़ाती है तो पाती है कि राजेंद्र का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका है। वहीं जब राजेंद्र के बड़े भाई राजेंद्र को प्रसाद खिलाते हैं तो वो खाने से मना करता है, पर वो जबरदस्ती प्रसाद को उसके मुंह में डाल देते हैं, जिसे खाते ही वो उल्टियां करने लगता है। जहां वो कहते हैं कि राजेंद्र की आने की खुशी में और गृह शांति के लिए हमें पूजा करवानी चाहिए, पर राजेंद्र मना करता है कि जब तक मैं इस घर में हूँ कोई पूजा नहीं होगी, और कहकर वो वहां से चला जाता है। जहां बड़े भैया कहते हैं कि लगता है राजेंद्र की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, उल्टी भी की है उसने, उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगले दिन तीनों डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और जब डॉक्टर राजेंद्र को चेक करता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि राजेंद्र का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। ना तो उसकी पल्स चल रही थी और ना ही हार्ट बीट और ना ही उसका कोई ब्लड प्रेशर था। और तभी उसके मुंह में उसे काफी सारे कीड़े दिखाई देते हैं, मानो जैसे वो कोई लाश हो और काफी सड़ चुकी हो, पर वो तो सही सलामत था। जहाँ राजेंद्र कहता है मुझे कोई इलाज नहीं करवाना और वो चला जाता है, या डॉक्टर ये समझ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता। वहीं वो पत्रकार फिर से उनके घर आता है और कहता है कि उस दिन जो मैंने फोटो खींची थी वो खराब हो गई। और ये सुनते ही दीपा कहती है कि हमें दोनों को ढूंढना होगा। और जब सभी जाते हैं तो दोनों उन्हें कहीं दिखाई नहीं देते। और तभी एक लड़का बताता है कि मैंने उन्हें झील की तरफ जाते हुए देखा था। और जब सभी झील के किनारे पहुंचते हैं तो दीपा की आंखें फटी फटी रह जाती हैं। वो देखती है कि राजेंद्र किसी चीज को पानी के अंदर डुबा रहा है। उसे लगता है कहीं ये धुन तो नहीं। और तभी धुन भी वहां आ जाता है, जो कहता है कि माँ हम क्रिकेट खेल रहे थे और पापा बॉल ढूंढने ही पानी में गए थे। और उसी दिन एक लड़का भागते हुए आता है और कहता है कि दादाजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने दीपा भाभी को तुरंत बुलाया है। और जब दीपा देवेंद्र के पास पहुंचती है तो जो वो बताता है उसे सुनकर दीपा के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो बताता है कि राजेंद्र जो तुम्हारे घर में है वो असली राजेंद्र नहीं है। आज से 5 साल पहले मैंने राजेंद्र को पैसों के साथ अकेले बुलाया था और कहा था कि एक जगह है जहां हम निवेश कर सकते हैं। और जब वो खून कर दिया और उसकी लाश को वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया, और मेरी ये हालत भी उसी की वजह से हुई है। मेरे जाने का वक्त आ गया है और ये बात बताकर मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। पर दीपा को देवेंद्र की बात पर विश्वास नहीं होता कि वो तो सही सलामत घर पर है। पर देवेंद्र कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तुम उसके पेट पर देखना, वो खंजर का निशान तुम्हें जरूर मिलेगा। और उसी रात जब दीपा चुपके से राजेंद्र पर जब दूसरी बार वो देखती है तो उसे निशान दिखाई देता है। वो काफी असमंजस में आ गई थी कि क्या सच है और क्या झूठ। अगर वो राजेंद्र है तो उसकी आदत राजेंद्र की तरह क्यों नहीं है, और अगर राजेंद्र नहीं है तो ये कौन है। और इसका पता लगाने के लिए वो अपनी भाभी के साथ एक तांत्रिक के पास पहुंच जाती है, जहां वो तांत्रिक अपने मंत्र साधना के दम पर राजेंद्र की आत्मा को अपने शरीर में बुलाता है और कहता है कि 5 साल पहले मुझे मार दिया गया था, मेरी लाश को सड़ने के लिए छोड़ दिया था, मुझे मुक्ति नहीं मिली है, मुझे मुक्ति चाहिए। मैंने तुम्हें बताने की भी कोशिश की थी कि वो राजेंद्र नहीं है, शरीर मेरा है, पर आत्मा एक बाग की। और ये कहकर उसकी आत्मा वापस चली जाती है, जहां वो तांत्रिक कहता है बाघ एक ऐसी शैतानी आत्मा होती है जो पानी में रहती है, जो मरे हुए आदमी के शरीर में घुसकर उसे दूषित कर देती है, और फिर वो मरा हुआ इंसान एक चलती फिरती लाश बनकर रह जाता है। उस आत्मा को नष्ट नहीं किया सकता, सिर्फ उसे कैद किया सकता है। किसी एक शरीर को वो शैतानी आत्मा 5 साल तक अपने काबू में कर सकती है, फिर उसे दूसरे शरीर की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुराना शरीर सड़ने और गलने लगता है, और बाकी आत्मा ज्यादा से ज्यादा पानी के पास जाने की कोशिश करती है। क्या तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा है? जब दीपा कहती है कि हाँ मेरा बेटा धून, जहाँ वो तांत्रिक कहता है फिर उसकी जान खतरे में है, वो बाघ की आत्मा राजेंद्र के शरीर को छोड़कर तुम्हारे बच्चे के शरीर में प्रवेश करना चाहती है, हमें जल्द से जल्द उसके पास चलना होगा। और जब सभी घर जाते हैं तो बड़े भाई घायल अवस्था में पड़े हुए थे, जहाँ वो बताते हैं कि राजेंद्र धून को ले गया, जहाँ वो तांत्रिक कहता है कि बाघ पानी की आत्मा है और जरूर वो झील के पास ही गया होगा। और दोनों झील के लिए निकल जाते हैं, जहाँ राजेंद्र धून को अपने साथ लेकर पानी में है, और वो धून को पानी के बाहर लाकर
वो इसका गला दबाने लगता है ताकि वो उसे मार कर उसके शरीर पर कब्जा कर सके। और इससे पहले कि वो धून को मार पाता, वो तांत्रिक उसे धक्का दे देता है और उस बाघ की आत्मा को अपने बस में करने लगता है। यहाँ राजेंद्र भी अपने असली रूप में आ चुका था, जिसे देखकर दोनों काफी डर जाते हैं। जहाँ वो तांत्रिक बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए उस बाघ की आत्मा को एक मुर्गे के शरीर में कैद कर देता है। और राजेंद्र की लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। जहाँ वो तांत्रिक कहता है, बेटी तुम्हारे पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये शरीर नश्वर है, अब तुम इस लाश का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करो ताकि राजेंद्र की आत्मा को मुक्ति मिल सके। और इसी के साथ बाघ की आत्मा एक जल पिशाच इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फियर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फियर फाइल्स की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। And thank you so much for watching this video.